वेलकम फ्रेंड्स, कुछ अच्छा बाय केडी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक यह त्योहार बरसों से इसी तरह मनाया जा रहा है और प्रेम की यह डोर इस त्योहार के बहाने एक रिफ्रेशमेंट देती है रिश्तों को आगे बढ़ाने में। आपको इसकी पौराणिक कथा भी मालूम होगी, नहीं तो मैं बताती हूँ। एक बार कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया तो वो अपनी बहन सुभद्रा से मिलने आए और सुभद्रा जी ने उनके आगमन पर उन्हें तिलक किया और उनको भोजन कराया। तभी से इस दिन की यह परंपरा बनी हुई है कि कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन भाई बहन के इस त्योहार के रूप को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। और कहते हैं कि भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाते हैं, भोजन करते हैं और दक्षिणा के रूप में उसे कुछ न कुछ उपहार के रूप में देते हैं। उसके अलावा एक प्राचीन और पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान सूर्य के दो बच्चे थे, यमुना एंड यमराज। यमुना अपने भाई से अगाध स्नेह करती थी और हमेशा अपने भाई को आमंत्रित करती थी कि वो घर के आए, उनके घर आए और भोजन करें। लेकिन यमराज जी को टाइम नहीं मिलता था कि वो उनके घर आ सकें। लेकिन एक दिन अचानक ही वो अपनी बहन के घर आए तो यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने भाई को भोजन कराया, तिलक लगाया। तब से ही यह त्यौहार भाई बहन के स्नेह के रूप में प्रचलित हो गया। और कहते हैं कि यमराज जी ने उस दिन सभी को नरक मुक्त भी किया। और यह परंपरा, यमराज जी ने अपनी बहन से कहा कि उन्हें क्या गिफ्ट में चाहिए, क्या मतलब उपहार चाहिए। तो यमुना ने कहा कि मुझे यह चाहिए कि आप हर साल इस दिन मेरे घर आएं और भोजन करें, आतिथ्य ग्रहण करें। उसी दिन से यह त्यौहार की यह परंपरा चल पड़ी कि भाई अपनी बहन के घर आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और उन्हें, छोटी है तो आशीर्वाद देते हैं, बड़ी है तो उनसे शुभकामनाएँ लेते हुए उन्हें कुछ उपहार स्वरूप, कुछ भी जो भी उनके बजट के अनुरूप होता है, उन्हें गिफ्ट में देते हैं। और इस तरह उनका, भाई बहन का यह त्यौहार प्यार और प्रेम पूर्वक इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी या यह कहीं वर्ष दर वर्ष इस प्रकार आगे बढ़ता है। चलिए आपको भी लिए चलते हैं अपने परिवार के साथ किस तरह से हम भैया दूज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ भैया दूज मनाने के लिए आइए। ये मेरे बच्चे का हेयर स्टाइल ना खराब हो गया। ये पानी है क्या इसमें भैया? मुंह तो सही कर, मुंह से फूल रहा है। ऐसे ऐसे ठीक है। खुश रहो, आयुष्मान भव। क्या ही बोलता है भगवान जी, इसको बहुत बड़ा इंसान बनाना, बहुत काबिल इंसान बनाना। इट्स योर चॉकलेट बेटा, इसमें से थोड़ा सा खाओ तो पूरा खाओ, पूरा खा लो, पूरा खा लो, थोड़ा खा के देखो बाकी चाहिए तो आप पूरा भी ले सकते। बोल माने कहते तुम दोनों एक यूनिट हो, कहते नुकसान है ना, फायदे का मतलब है। खाली वैसे बैठा के दोनों के आरती कर दी थी। आप आ जाओ, गेट खुला नहीं, बंद था, खुल गया था।
घर आई एक लंबी परी ठीक है तुमने भी पूजा भी नहीं करवाई है हमसे नहीं करवाई सुबह से ठूसी है वो सुबह से पहले पूजा नहीं है भगवान जी इसको जल्दी से सेटल कर वो देखो और वो वहां से बिस्किट उठा के गाड़ी है अच्छा जब मेरे से खाए तो अभी नौकरी सेटल का नहीं ये अभी नहीं बिल्कुल नहीं और अच्छी तरक्की पाओ सेटल हो जाओ बढ़िया सा पैकेज मिल जाए मजा आ जाए एक ही से सारा परिवार चलाओगे आप तो मेरे लिए कर नहीं रहे हो मुझे आपके लिए करना पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं आप तो खा सकते हो भाभी को मना खराब देख ना बेटा मीरा को हमने ब्रेड पकौड़ा खिला दिया कोई बात नहीं मैं तो दोनों कैमरामैन आयुष के साथ मैं खेड़ी शादी वाले देखिए कैसे खाते हैं एक बार में भास्कर जी किस तरह से मिठाई को देखिए देखिए ये बैठो भाभी छोटे बच्चों को इतना काजल भी लगा दे आप हमें ताकि नजर ना लगे छोटे छोटे भाभी की आरती छोटे छोटे भाभी ठंड हो रही है ना इतनी मिठाई और इसे क्या था तू आते हैं
उसको खाता है मैं थोड़ा सा देने मार के ज्यादा खाएगी तुम भी बैठ जाओ ना रश्मि बैठो बैठो रश्मि चाय के ग्लास कितने आप देखिए ये हमारे सौरभ त्रिपाठी जी किस तरह से एक साथ गैलप करके पूरी मिठाई खाएंगे अब ये सीन देखने लायक होगा बच्ची को गैलप वो करता है जी थोड़ी जी ना जी नानी के घर पे भी कैसा बनेगा था मापी बनाई बच्चे का चुन्नी में उधर से गांठ बांध के फोम के टुकड़े पड़ते फोन में कम ध्यान जाए जय हो एंजल तो 5'5" है पूरे परिवार के खाने हमने एक ही लड्डू खाएंगे हम डाइट पे हैं चलो भैया आप दोनों की जोड़ी बनी रहे आप तीनों का परिवार बना रहे हमेशा खुश रहो हमारा यही आशीर्वाद है खुश रहो हमेशा तुम झूठा ही पड़ेगी मेरे चंदा मेरे अन